खबर राजधानी रायपुर से है, जहां नक्सली घटना को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया। बता दें कि गृह मंत्री विजय शर्मा ने अपने बयान में कहा कि जवानों ने सर्च ऑपरेशन किया था। उस सर्च ऑपरेशन के तहत 12 नक्सलियों का शव बरामद हुआ है। मंत्री शर्मा ने कहा कि अच्छी बात यह है कि किसी भी जवान को खरोंच भी नहीं आई और जवानों के शौर्य के कारण ही ये ऑपरेशन सफल हो पाया। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि नक्सली के लिए बातचीत का रास्ता हमेशा खुला हुआ है और बातचीत के माध्यम से ही सरकार इसको समाप्त करना चाहती है और बातचीत से ही गांव के विकास का मार्ग प्रशस्त करना चाहती है। नक्सली अगर मुख्य धारा में लौटे तो सरकार उनके लिए अच्छी पुनर्वास नीति लाएगी। और बड़े नक्सलियों का मूवमेंट कॉम पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सूचनाओं के आधार पर ही सर्चिंग ऑपरेशन चलाया जाता है। गंगलूर क्षेत्र में बीजापुर में पीड़िया जंगल में लगभग 1200 DRG दंतेवाड़ा, DRG बीजापुर, STF और कोबरा बटालियन के जवानों ने सर्च ऑपरेशन किया था, जिसमें 12 नक्सलियों के शव बरामद हुए। और सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि किसी जवान को खरोंच भी नहीं आया। मैं ये जवानों के शौर्य के कारण ही है, ये जवानों के भुजाओं की ताकत से संभव हो रहा है। नहीं, बातचीत का रास्ता बिल्कुल खुला है, वही पहला रास्ता है, वही सरकार की मंशा है। बातचीत के माध्यम से ही सरकार इसको समाप्त करना चाहती है, बातचीत के माध्यम से ही सरकार बस्तर के गांवों के विकास का मार्ग प्रशस्त करना चाहती है। नहीं, गिरफ्तारियां तो कुल मिलाकर 350 हो गई हैं और आत्मसमर्पण भी 250 से अधिक हो गए हैं। ये कुल मिलाकर जो सिनेरियो बना है बस्तर में, ये बहुत बड़ी संख्या, जो मारे गए हैं वो 100 से ऊपर हैं, जिन्होंने आत्मसमर्पण किया वो 250 से ऊपर हैं, जिनको गिरफ्तार किया हुआ है वो 350 से ऊपर हैं, ऐसे कुल मिलाकर। और ये पूरे क्षेत्रों में है, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर, सभी क्षेत्रों में। तो ये समग्रता के साथ ये काम हो रहा है। पड़ोस के राज्यों से भी इस पर बातचीत हुई है, तो वहाँ पर भी मुस्तैदी है।